तो हेलो गाइस वेलकम। तो आप देख पा रहे हैं ये डीसी मोटर है और ये जो ग्राइंडर है, ठीक है। तो ये जो है इसका शाफ्ट, ये जो यहाँ पे सेट करेंगे तो इसके लिए शाफ्ट जो है ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा महंगा है, ठीक है। ऑनलाइन में इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है शाफ्ट का, ठीक है। तो इतना मैंने आप, चलिए आज मैं बताने वाला हूँ होममेड जुगाड़। आप घर पर ही खुद से शाफ्ट बना सकते हो, ठीक है, वो भी फ्री में। जैसे कि इसको यहाँ पर डीसी मोटर पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। के पास तो कोलगेट वोलगेट होगा, कोलगेट या फिर कुछ क्रीम का इस तरह से, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ से काट लिया हूँ, देख पा रहे हैं वही चीज़ें सेम, ठीक है। तो आप इससे जो है बना सकते हो, ठीक है, आप शाफ्ट बना सकते हो। तो इसी से बनेगा शाफ्ट, थोड़ा सा यहाँ पे तो फट गया है, तो कोई बात नहीं इससे। तो चलिए इसी से बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसे जो है इसे कट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको यहाँ से इसका जो है ये निकाल लेते हैं। तो इसे भी थोड़ा काट लेते हैं, ठीक है। ये जो उठा हुआ निकला हुआ इसे काट लेते हैं थोड़ा, उसके बाद सीधा कर। अब जो है थोड़ा इसे गरम करके इसे सीधा करेंगे, कुछ इस तरह राउंड में है ये, ठीक है। तो चलिए इसे मैं इस तरह से, थोड़ा सा हुआ है, ठीक है, इस तरह से इसे। हो चुका है, ठीक है। वो थोड़ा कुछ इसमें मोटिवेट करना पड़ेगा, तो पीवीसी पाइप का टुकड़ा मुझे चाहिए कुछ इस तरह से सेट, ठीक है, ताकि यहाँ से और भी अच्छे से फिक्स करके इसे जाम कर सकते हैं। या फिर इसका साइज़ पे जो है एक ही में कट करना पड़ेगा, ठीक है, इसका साइज़ पे, इसका राउंड पे, ठीक है, ताकि ये आसानी से ये इसके अंदर चला जाए। तो इस राउंड में इसे काट लेते हैं, ठीक है। तो अब जो गाइस इसे जो है सुपर ग्लू से यहाँ पे इसे चिपकाते हैं, क्योंकि ये जो है ये कुछ अच्छे से नहीं है, मजबूत नहीं उतना, ठीक है। तो इसके लिए मुझे सुपर ग्लू यहाँ से चिपका देना है। अच्छे से पूरा तो लोग गाइस ये और मजबूत हो गया है, ठीक है। अब इसे जो है कट कर देंगे। तो लोग गाइस ये अच्छे से जो है इसे कट गया है, पेपर से इसे घिस के सॉफ्ट कर देंगे, अच्छे से कर देंगे, ठीक है। अब जो है इसके होल के लिए ये तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक पेन चाहिए। तो इसके लिए जब देख पा रहे हैं ये इस पेन को इसके अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है, डाल देते हैं इस तरह से, है ना। लो ये हो गया। अब जो गाइस यहाँ से इसे कट कर देंगे, तो हम इस हेक्सो से इसे कट कर दे रहे हैं। अब जो गाइस यहाँ से इसे तोड़ देंगे, ठीक है, और इसे भी थोड़ा घिस देंगे। ये हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे करना है एक होल, ठीक है, इसके सेंटर पे करना है, ठीक है। इसके लिए सेंटर पे, तो इसका सेंटर बना लेते हैं कहाँ पे होगा।
ठीक है, अब कर लेते हैं यहाँ पे हॉल अप। और भी इसमें थोड़ा काम बाकी है, जैसे भी कर लेते हैं अच्छे से। तो गाइस ये जो छोटा सा पीस कट किए थे, ठीक है, अब इसके अंदर जो है इसे सेट करना है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसके अंदर इस तरह से बैठने के लिए, तो ये जाएगा इसके अंदर, तो फिर ये इस तरह से इधर उधर ही बैलेंस भागेगा, तो इसके अंदर ये हमें फिक्स करना है ये पीवीसी का टुकड़ा। ठीक है, इसके अंदर, तो चलिए इसे भी मार्क दे के इसके साइज पे कट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो गाइस इसे इस तरह कट कर दिए हैं राउंड, अब जो है इसका अंदर इस तरह से डाल देंगे अंदर तक। ठीक है, ये सॉफ्ट बन के रेडी है, अब हम यहाँ पे इस तरह लगाएंगे। ठीक है, इस तरह लगा देंगे, और ये जो है आराम से यहाँ पे बैठा देंगे, आराम से सेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह गाइस से सेट कर देना है। उसके बाद ये जो है इसका ढक्कन, ठीक है, इस यहाँ पे पीछे सेट पकड़ के इस तरह से आप इसे लगा सकते हो। ठीक है, अच्छे से, लेकिन नहीं गाइस ये नहीं लग रहा, इससे थोड़ा ये जो है आगे तरफ निकला हुआ देख पा रहे हैं आप, तो इसे थोड़ा कट करेंगे। ठीक है, या फिर घिस सकते हो, तो हम सीरीज पेपर से यहाँ पे इस तरह से। तो गाइस यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे घिस दिए हैं, अब जो है ये लग सकता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, ये लग चुका है, और अब देख पा रहे कितना मस्त है इसका जो है ये सॉफ्ट, ये इसमें सेट हो गया है। ठीक है, अब हम जो चाहेंगे तो अब जो इसका जो ब्लेड है इस तरह खोल के निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये फिर से लगा सकते हैं कोई भी ब्लेड। ठीक है, इस तरह से। तो गाइस ये जुगाड़ आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और चलिए मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। तो गाइस अब देख पा रहे हैं कितना स्मूथ, और कितना स्मूथ ये घूम रहा है, और कितना फास्ट। ठीक है, देख पा रहे हैं है ना, कोई भी चीज़ भी कट हो जाएगा। तो गाइस ये आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।